आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LFI के बारे में, यानी कि लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट्स के बारे में। और यहाँ पर हम वर्क एट हेड का एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू जो है आपको LFI के बारे में जो है वो पता चल सकेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस LFI के बारे में, यानी कि लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने जो है LFI का नाम तो सुना ही होगा। अब इफेक्टिव जो LFI होता है वो सेफ वर्किंग के लिए काफी इसेंशियल होता है। जैसा कि HSC रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स होते हैं तो उसके पीछे में क्या कारण है वो हमारे लिए नए नहीं होते हैं, क्योंकि इंसिडेंट जो है वो ऑफ्टन ऐसे होते रहते हैं जो रिपीट होते हैं, और ऐसे जो इवेंट्स है उनका जो नेचर है वो काफी सिमिलर होता है जो भी प्रीवियस इंसिडेंट हुए थे उसके साथ में। तो हमारे मन में ये इमीडिएट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रीवियस में जो भी पास इवेंट ऐसे हुए थे तो उस इंसिडेंट से हमने यहाँ पर क्या सीखा है, साथ ही साथ ऐसे जो एरर्स है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं या फिर जो भी रूल्स है या फिर गुड प्रैक्टिसेस है उसको हमने यहाँ पर इग्नोर किया है तो ये हम कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो हमारे माइंड में आता ही है। अब LFI की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है LFI के थ्रू जो है वो गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को, यानी कि नॉलेज को, जैसे कि प्रीवियस इंसिडेंट्स या फिर एक्सीडेंट या फिर नियर मिसेस में ऐसी क्या गलती हुई थी कि जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ था, और साथ ही साथ उसमें कौन सी जो वर्किंग प्रैक्टिसेस है उसमें चेंज करने की यहाँ पर जरूरत है ताकि फ्यूचर जो इंसिडेंट है उसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमें LFI के थ्रू मिलती है। अब अगर हमारे पास इफेक्टिव लर्निंग अगर प्रोसेसेस नहीं है या फिर वर्कफोर्स के साथ में हम वहां पर इफेक्टिवली इंगेज अगर नहीं हो पाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऐसे जो रिपीटेड होने वाले जो सेम इंसिडेंट्स है उसकी रिस्क को जो है सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ ऐसे जो इंसिडेंट है ऐसे को भी वो सफर करेंगे सिमिलर कॉजेस के साथ में। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल है वर्क एट हाइट का। अब यहाँ पर आपके सामने में जो इमेज दिखाई दे रही है यह है HSC लेसन लर्न, यानी कि जो भी पास में यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था उससे हमें यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊंचाई से गिरने से एक पर्सन की यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इश्यू नंबर है, मंथ ईयर हो गया, लोकेशन हो गया और डेट हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पर हाइड किया है क्योंकि एक पर्टिकुलर जो है एक कंपनी का है, हम यहाँ पर ओपनली जो है उसको नहीं बता सकते है कि कौन से कंपनी का है, लेकिन हमें यहां पर फोकस करना है कि इस इंसिडेंट से जो है हम क्या सीख सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ था कि ड्रिल पाइप जो है वो रनिंग कंडीशंस में जो है उसका ऑपरेशन जो था टप कंडीशंस में वो चल रहा था, तो फ्लोर मैन जो है वो वहां पर डेरिक मैन को जो है वहां पर सब्स्टिट्यूट करता है। अब यहां पर डेरिक का मतलब होता है बड़ा भार उठाने वाला यंत्र, और डेरिक मैन यानी कि उसको हैंडल करने वाला। अब डेरिक मैन का काम था कि पाइप को जो है एलिवेटर में वहां पर उसको लैच करना है। अब उसकी जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट करता है तो वो वहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट करने में फेल हो जाता है या फिर उसके हाथ से जो है वो मिस हो जाता है। अब यहां पर जरूरत होती है उस पाइप को रिकवर करने की। तो उस पाइप की रिकवरी करने के लिए जब वो इनिशिएट करता है तो उस वक्त जो है डेरिक मैन का जो बेली बेल्ट है वो वहां पर रिमूव करता है, और वो जो डेरिक बेल्ट था वो अटैच था रेलिंग के साथ में। अब जब ये बेल्ट को रिमूव करता है तो वो यहां पर फ्री हो जाता है। अब उस पाइप की रिकवरी का जो काम है वो वहां पर खत्म हो जाता है, लेकिन बाद में जो है वो डेरिक मैन जो है उस बेल्ट को जो है फिर से जो है वहां पर लगाने का वो वहां पर भूल जाता है, यानी कि वो रेलिंग के साथ में वहां पर अटैच नहीं करता है। साथ ही साथ वर्टिकल जो सेफ्टी लाइन है तो उसके साथ में भी उसका जो फुल बॉडी हार्नेस है वो वहां पर उसने अटैच नहीं किया था। अब उसको यहाँ पर सेकंड अटेम्प्ट करना होता है, यानी कि वो जो पाइप है उसको एलिवेटर में जो है वहां पर लैच करना होता है, लेकिन वो ये चीज भूल जाता है कि उसका जो फुल बॉडी हार्नेस है वो वहां पर उसने अटैच किया है या फिर नहीं किया है। अब वो क्या करता है कि जो भी डाइवर्स बोर्ड है उसके ऊपर से वो थोड़ा बाहर की तरफ जो है वो वहां पर लीन होता है ताकि वो जो है वो एलिवेटर के अंदर पाइप को जो है वहां पर लैच कर सके, लेकिन जैसे ही वो वहां पर सेकंड अटेम्प्ट करने के लिए जाता है तो वो वहां पर फ्लोर पर 90 फीट नीचे जो है नीचे गिर जाता है। अब जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उसके कई सारे जो है रूट कॉजेज जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसा कि इमोशनल यहाँ पर ओवरलोड और पीयर प्रेशर्स, इम्प्रॉपर सुपरवाइजरी वहां पर थी, इनकरेक्ट बिहेवियर रेनफोर्स, इनएडुकेट असेसमेंट ऑफ रिक्वायर्ड स्किल, इनएडुकेट वहां पर लीडरशिप थी, इनएडुकेट या फिर लैक ऑफ जो है सेफ्टी मीटिंग थी वहां पर, इनएडुकेट प्लानिंग या फिर रिस्क असेसमेंट भी वहां पर थी, लैक ऑफ PSP फॉर द टास्क, और साथ ही साथ सुपरवाइजर और पर्सन के बीच में भी यहाँ पर कम्युनिकेशन जो था वो सही नहीं था। तो ये जो सारी रूट कॉज जो है यहाँ पर देखने को मिले थे। अब इसके लिए कुछ की एक्शंस और रिकमेंडेशन जो है यहाँ पर दिए गए थे। तो सबसे पहला है कि प्रोसीजर को यहाँ पर अपडेट किया गया था, फिर उसके बाद है कि फ्लोर मैन को जॉब ट्रेनिंग जैसे कि डेरिक मैन को प्रोवाइड की जाती है वो भी जो है उसको प्रोवाइड की जाए,
और थर्ड है कि वर्टिकल जो फाल अरेस्टर है वो हमेशा जो है फुल बॉडी हार्नेस के साथ में जो है अटैच होना चाहिए, वो भी काउंटर बैलेंस को रिलीज करने से पहले, और वो उसने हमेशा जो है वहां पर पहनना है जब भी वो मंकी बोर्ड या फिर उसके अबाव में काम करता है उस वक्त। तो इस तरीके का ये इंसिडेंट था जिसे हमें सीखने की काफी जरूरत है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा LFI के बारे में, यानी कि लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।